आज का हमारा विषय है पशुओं में, दुधारू पशुओं में थैलेना रोग, लक्षण और बचाव। थैलेना रोग यानी थन का रोग, जिसमें कई बार अगर सही समय पर उपचार नहीं किया गया या फिर ध्यान नहीं दिया गया तो पशुओं का थन खराब हो जाता है, उससे दूध आना परमानेंट बंद भी हो सकता है और कई बार सारे थन खराब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप समय समय पर इस बात का ध्यान रखें और पशु के थन को चेक करते रहें कि कहीं उसमें कोई संक्रमण या थैलेना रोग के लक्षण तो नहीं है। तो आज के कार्यक्रम में हम यही बात करेंगे कि थैलेना रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, उपचार क्या है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-1130-6011-1130-6111। तो आप देख सकते हैं दो नंबर हैं, ये हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे। इस पर आप कॉल करें और अपने प्रश्न हमारे विशेषज्ञ के सामने रखें जिसका हम आपको देंगे लाइव जवाब। तो आइए अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं आज के हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जी हैं। प्रवीण कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आप पशु चिकित्सक हैं हसनपुर तावड़ू नू हरियाणा से, और आज का जो विषय है उसके बारे में हम आपसे विस्तार से जानेंगे और जो भी हमारे दर्शक कॉल करेंगे उनका भी आप जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, और सबसे पहले आज का जो विषय है यानी दुधारू पशु में थैलेना रोग, इस पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सर, क्या है थैलेना रोग और कितना गंभीर हो सकता है? थैलेना रोग में प्राथमिक रूप से पशु की लेबटी में चाहे दूध का खराब होना या लेबटी के अंदर किसी भी तरह की गांठ बनना, ये दुधारू पशुओं में इसके होने के आसार ज़्यादा रहते हैं। और मैस्टाइटिस ड्राई भी होती है इसको, इंग्लिश में मैस्टाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और जब पशु बाखड़ा हो जाता है यानी ब्याने से पहले का जो टाइम आप देते हो उसको ड्राई करने के लिए, कई बार उन पशुओं में भी थैलेना बन सकता है। थैलेना मुख्यतः रूप से एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं पशुपालक की कमी तो नहीं कहेंगे बट पशु की देख रेख में कोई कमी होने की वजह से होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पशु के अंदर से नहीं आती, बाहरी तौर से विषाणु या जीवाणु जब भी थन के रास्ते उसकी लेबटी में घुसते हैं तो ही ये परेशानी बनती है। जी 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 बिल्कुल। तो थन के रास्ते ये संक्रमण फैलता है और थन पर इसका सबसे ज़्यादा विपरीत असर पड़ता है। और अगर आप दुधारू पशु की बात करें तो अगर उनका थन ही बेकार हो गया या फिर थन में ही संक्रमण हो गया तो आप समझते हैं कि उस पशु का कोई लाभ नहीं रहता है और हमारे जो पशुपालक उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। तो आइए सबसे पहले थैलेना रोग पर देखते हैं रिपोर्ट। थैलेना रोग दुधारू पशुओं के थनों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इस बीमारी से सभी नस्ल के दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता प्रभावित होती है। कम दूध देने के कारण किसान की आय पर भी असर पड़ता है। अधिक उम्र वाले पशुओं को थैलेना रोग होने की संभावना अधिक होती है। थैलेना रोग के लक्षण: पशु के थन में दर्द के साथ सूजन रहना, थन सामान्य से अधिक लाल दिखना, दूध के साथ रक्त का आना, थन में गांठ या थन का सख्त हो जाना, गाय का बेचैन रहना और रंभाना, दूध उत्पादन कम होना, दूध में छोटे छोटे थक्के का निकलना, पशु का खाना पीना छोड़ देना। थैलेना रोग से प्रभावित पशु को जल्द से जल्द उपचार करना आवश्यक होता है। सही समय पर इलाज नहीं किए जाने से खराब थन पशु के दूध को सुखा देता है और थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं, जिससे पशुपालक को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। थैलेना रोग से बचाव के लिए गाय की दुहाई पहले और बाद में थन को अच्छे से साफ करें। दूध निकालने के बाद चारों थनों को टीट डिप कप में डुबो दें। दुधारू पशु को दुहान के आधे घंटे बाद ही बैठने दें। रोगग्रस्त पशु का दूध सबसे बाद में निकालें। पशु आवास को सूखा और साफ रखें। थन को साफ रखने के लिए लाल दवा का इस्तेमाल करें। दुहाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की सफाई का ख्याल रखें। चिकित्सक की सलाह पर दवाई दें। थैलेना रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटनी आदि सभी पशुपालकों के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए पशुओं का प्रबंधन और समय से उपचार बेहद जरूरी है। और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लें ताकि उनकी सेहत और उत्पादन बनी रहे।